शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक अपडेट के साथ। इस बार पेरिस में जैवलिन थ्रो का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार देर रात हुए जैवलिन थ्रो फाइनल में धड़कने रुकने और हैरान करने वाला कंपटीशन देखने को मिला। भारत के स्टार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर अपने नाम कर लिया और इतिहास रच दिया। नीरज ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया। नीरज ने अपना अब तक का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने भाला 89.45 मीटर की दूरी पर फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। नीरज लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि देश के लिए मेडल जीतने पर खुशी होती है, मगर फिलहाल और मेहनत बाकी है। नहीं, बिल्कुल, कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे आज अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी। पीएम ने लिखा कि नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत इस बात से खुश है कि वह एक और ओलंपिक सफलता के साथ वापस आए हैं। रजत पदक जीतने पर नीरज को बधाई। वह अनगिनत आगामी एथलीटों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बात भी की और उन्हें बधाई दी। धन्यवाद सर, आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी। नीरज की उपलब्धि पर नीरज की मां ने कहा, हमारे लिए सिल्वर ही गोल्ड जैसा है। नीरज के माता पिता से खास बातचीत की संवाददाता अनुपमा झा ने। तो पूरे देशवासियों का हमारी तरफ से धन्यवाद है। और जैसे मतलब हमारा मानना है कि ये जैसे बोलते हैं भाई उनका बेटा है, तो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश का बेटा है। जितनी भी मतलब अपनी पूरे देश की जनता उसके लिए मतलब प्रे कर रही थी, सभी का उसके ऊपर इतना ही हक है। जैसे मेडल जीता तो सभी ने चीयर किया, सभी उसके लिए विश भी कर रहे थे। मतलब काफ़ी मतलब पूरे देश का ही एक बेटा है। हम लोग मतलब अकेले ये नहीं जता सकते भाई हमने सब कुछ किया है, तो उसमें पूरे देश का योगदान। एक माँ ही बता सकती है कि आखिर इस बच्चे ने जो है कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखो जी, ये तो खुशी के आंसू हैं आ जाते हैं, लेकिन बहुत खुशी है। हमने सिल्वर के गोल्ड के कोई हमने इसी नहीं है, लेकिन हमने सिल्वर भी गोल्ड वर्गा है। हाँ। और जो बच्चा लेके आया वो बीमारा लेके आया, गोल्ड लेके आया, सिल्वर लेके आया, बीमारा लेके आया। हाँ। लेकिन हमने कोई वो नहीं है। जो दुख उन बच्चों का जो समय इतने दोनों मैं कर लग रहे बेचारे, वह सिल्वर गोल्ड में कैसा भी ले नहीं पाए, लेकिन सब मां अपने बच्चे खातर नहीं सोचा भाई जा रहे हैं कुछ न कुछ करके आएंगे। नीरज चोपड़ा के चाचा ने कहा कि हर खिलाड़ी का दिन होता है, शायद फाइनल का दिन नीरज का नहीं था।
सारी चीजें अपने अनुरूप नहीं होती, कई बार दिन भी होता है। आज उसका दिन में कुछ न कुछ कमी थी, जो उसने 5 फाउल दिए हैं उसकी एक ही वाली थ्रो थी और वही उसको सिल्वर मेडल में लेके गई है। क्या इस बार उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की, तो क्या लग रहा कुछ कहीं कमी रह गई? पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया पाकिस्तान के अरशद नदीम ने और वो गोल्ड का डिजर्विंग है। चलिए बात करते हैं हॉकी की, जिसमें भारत ने जोरदार प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया और आगे आपको बताएंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं मेडल टैली पर भी, और भारत के खाते में अब कुल 5 मेडल आ चुके हैं, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है और देशवासियों को उम्मीद है कि इस ओलंपिक में भारत के खाते में गोल्ड भी आए, तो इंतज़ार रहेगा गोल्ड का। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो टैली आप देख रहे हैं, 5 मेडल भारत की झोली में आ गए हैं। तो हॉकी में भारत का प्रदर्शन जोरदार रहा, ब्रॉन्ज मेडल हॉकी की टीम ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने रोमांचक मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने शानदार 2 गोल दागे हैं। इससे पहले हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता था। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि हम गोल्ड के काफी करीब थे, मगर हमें गर्व है कि हमने देश के लिए ब्रॉन्ज जीता। ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक हम बहुत क्लोज थे, बट हम और ज़्यादा डिज़र्व करते थे। बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत खुश हैं हम सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। सर, ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। भारतीय हॉकी टीम के कोच शिवेंद्र सिंह ने कहा कि टीम का पूरे खेल में शानदार परफॉर्मेंस रहा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी थ्रू आउट टूर्नामेंट। हमने वन साइडेड खेला है, बिल्कुल एज ए टीम खेला है। जो परफॉर्मेंस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे फुल लीग्स में, उस चीज़ को यहाँ पर प्रोसेस में लेके आए और यहाँ पर परफॉर्म किया टीम ने। तो विनेश फोगाट का केस अब हरीश सालवे लड़ेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ और विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। इस दौरान मशहूर वकील हरीश सालवे विनेश का केस लड़ेंगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जल्द होगी। विनेश ने साझा रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। तो कल का दिन पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए शानदार रहा। भारत की झोली में 2 और पदक जुड़ गए हैं। आज ओलंपिक का 14वां दिन है। आज भारतीय खिलाड़ी गोल्फ, एथलेटिक्स और कुश्ती में अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज भारत के लिए एक और ब्रॉन्ज की उम्मीद है। कुश्ती में पुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल के ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमन सहरावत खेलने के लिए उतरेंगे। तो ओलंपिक में अब भारत की मेडल टैली को आगे कौन बढ़ाएगा और कैसा रहा इस बार का ओलंपिक का अनुभव, जानने के लिए जरूर देखिए हमारी स्पेशल कवरेज उम्मीदों का ओलंपिक आज शाम 5:57 पर।
चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में सेंसेक्स 820 पॉइंट चढ़कर 79,706 पर और निफ्टी 251 पॉइंट चढ़कर 24,368 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी दिखी तो निफ्टी बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बीएसई इंडेक्स की बात करें तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर ही बंद हुए। ऑटो रियलिटी आईटी शेयरों में खरीदारी रही तो तेल गैस एनर्जी पीएसई इंडेक्स में तेजी दिखी। अगले कुछ महीनों में बाजार में काफी ट्रिगर्स हैं, ये कहना है 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। वहीं सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में अनु जैन ने मौजूदा बाजार में फार्मा एफएमसीजी सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। फार्मा और एफएमसीजी ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं पिछले एक डेढ़ महीने से, जिस तरीके से मूव दिख रहा है, आपने सिप्ला को देखा है, सन फार्मा को देखा है, सब चल रहे हैं। एंड आई थिंक वो एक डिफेंसिव ट्रेड है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर इस मार्केट का चेंज कर रहा है, तो ना केवल फार्मा एंड फार्मा और एफएमसीजी दोनों पे पॉजिटिव है। जिस तरीके से हिंदुस्तान लीवर का भी चार्ट है वो एक क्रूशियल लेवल के ऊपर है, रिलायंस का स्टॉक है एंड ओवरऑल मेरे को लगता है कि वो काफी अंडर परफॉर्म किया है, काफी सेलिंग आई है। वो एजीएम मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के अंदर है। एचडीएफसी बैंक है जिसमें एमएससीआई की वेटेजेस की अनाउंसमेंट आएगी 8-10 दिन में, वो किस तरीके से होल्ड करता है वो डिपेंड करेगा। तो इट विल बी द डिफेंसिव्स नाउ, तो चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका एचडीएफसी बैंक हो, एफएमसीजी हो और फार्मा हो, ये चारों वुड कुड बी द पिलर्स ऑफ द मार्केट जिसपे वो गिरने ना दे खास करके। तो बाजार में क्या है तेजी का सीक्रेट और क्या कहना चाहता है बाजार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो बाजार में ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। स्टॉक मार्केट के दोनों ही एक्सचेंज यानी बीएससी और एनएससी पर कंपनी का आईपीओ फ्लैट लिस्ट हुआ। बीएससी पर आईपीओ करीब 76 रुपए और एनएससी पर 76 रुपए पर लिस्ट हुआ। ओला आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए प्रति शेयर था। हालांकि इसके बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी आई, स्टॉक ने 19% से ज्यादा के साथ इंट्राडे हाई छू लिया। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त से 6 अगस्त तक खुला था। आईपीओ कुल 4.27 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के एंकर निवेशकों ने 2763 करोड़ रुपए जुटाए थे। एएमएफआई ने जुलाई के जो आंकड़े जारी किए हैं वे मिले जुले नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड के नेट इनफ्लो में मजबूती है तो इक्विटी इनफ्लो में थोड़ी सुस्ती है। एयूएम में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तमाम आंकड़े बताने के लिए अब जुड़ते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं। जो म्यूचुअल फंड के जो जो एसेट बेस है वो तो बड़ा है ही, अगर इन्फ्लोज की बात करें तो यस, मंथ ऑन मंथ आपको थोड़ा बहुत ये दिखा है कि इस महीने जो अगर हम इन्फ्लोस की बात करें तो जुलाई का महीना इतना कुछ खास रहा नहीं है। ऑब्वियसली जुलाई का एक कारण ये भी होता है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स एडजस्टमेंट्स के लिए अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स मोनेटाइज करनी पड़ती है, आपका पोर्टफोलियो मोनेटाइज करना पड़ता है। तो अगर वो एडजस्टमेंट अगर हम देख लें तो नंबर ठीक ही ठाक आपको लगेंगे। अगर हम नेट इन्फ्लोस की बात करें डेट और इक्विटी में मिला के, तो जुलाई के महीने में लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए आपको दिखेंगे कि पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर पड़े हैं। इसमें से अगर हम इक्विटी इन्फ्लो की बात करें तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहा है। 37,000 करोड़ आपको नेट बेसिस पे इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़े हैं, जो पिछले महीने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर था। लेकिन इसके अंदर जो डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस ये है कि मल्टी कैप फंड जो है वो पब्लिक ने ज़्यादा पसंद किए हैं जुलाई के महीने में, और इसीलिए शायद ये मल्टी कैप फंड में लगभग 7,100 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लो आए हैं, जो लगभग दुगना है पिछले महीने के मुकाबले। उसके सामने जो है लार्ज कैप फंड्स और स्मॉल मिड कैप फंड में से लोगों ने पैसा अपना जो है निवेश करना थोड़ा स्लो कर दिया, अगर हम ये टर्म यूज कर सके, स्लो कर दिया है। ऐसा नहीं कि एकदम से घटा दिया, लेकिन स्लो कर दिया है। लार्ज कैप मिड कैप फंड की बात करें तो 2600 करोड़ का इन्फ्लो आया, जो पिछले टाइम लगभग 3000 करोड़ का था। लार्ज कैप फंड में लगभग
670 करोड़ माफ कीजिए उतना फंड आया जो पिछले टाइम 970 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं ये मिड कैप और लार्ज कैप फंड में लोगों का ट्रैक्शन कम हुआ है और नए नए आपने NFOs भी देखे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मोबिलाइजेशन जुलाई के महीने में किया है। AUM अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स का लगभग 6% बढ़ा है और अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत मंथ ऑन मंथ स्लोनेस दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल SIP का नंबर तगड़ा है, इनफ्लो का नंबर तगड़ा है, जुलाई के महीने में इनकम टैक्स की वजह से थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, लेकिन क्लियरली जो मोमेंटम है वो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के बीच आज खुशी की लहर है क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें CBI और ED दोनों ही मामलों में जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के जुर्माने पर जमानत दी है, साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त ये कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर सुनकर आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, घोटाले के आरोपों से मुक्ति नहीं मिली। जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखने को मिली। आज उच्च सदन की सदस्य जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए। जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के अंदाज को लेकर टिप्पणी की। लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वही जया बच्चन के बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ बढ़के और मर्यादा आचरण की नसीहत दी। एवरी डे आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट, आई डोंट वॉन्ट स्कूलिंग, आई एम अ पर्सन हु हैज गोन आउट ऑफ द वे एंड यू से माय टोन, नो 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 शिट ड्यू टू यू, नो यू डोंट अफोर्ड नाउ, नो इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, no, enough of it, you can't have it, you may be anybody, you may be a celebrity, you have to understand the decorum, no, nothing doing. तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए